मैं अभी सभी लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि चेंज ऑफ जुपिटर, जुपिटर जो है इतना विशाल प्लैनेट है, जुपिटर जो है जहां पर बैठता है वहां पर खराबी करता है, जहां पर देखता है वहां पर अमृत की वर्षा करता है। 11 अक्टूबर से चेंज होने जा रहा है जुपिटर, और वो तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहा है, यानी कि मेष लगन वालों के अष्टम भाव में जुपिटर आ जाएगा, वृष लगन वालों के सप्तम भाव में आ जाएगा, मिथुन लगन वालों के छठे घर में आ जाएगा, कन्या लगन वालों के पंचम भाव में आ जाएगा, सिंह लगन वालों के चौथे भाव में आ जाएगा और कन्या लगन वालों के तीसरे भाव में आ जाएगा, और ऐसे ही और आगे बढ़ेगा। तो आपने क्या करना है, अपनी पत्री में आपका जुपिटर कहां बैठा हुआ है और वो आपको क्या इफेक्ट देने जा रहा है, आपके साथ में क्या 11 महीने में होने जा रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करके पूरी अपनी पत्रिका का एनालाइजेशन करा सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका पे जुपिटर के क्या क्या फायदे हैं वो हम आपको बताएंगे, और वो आपके लिए क्या धन की वर्षा करने जा रहा है और क्या अच्छा होने वाला है क्या अच्छा नहीं होने वाला है, वो सारी चीजें सारी जानकारी हम आपको देंगे। और जो लोग भी हमारा प्रोग्राम तो बहुत देखते हैं लेकिन यूट्यूब पे हमसे जुड़े नहीं हुए हैं, तो वो लोग यूट्यूब पे जरूर जुड़े, जितने नए लोग देख रहे हैं वो यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जरूर जरूर जरूर। बिल्कुल साक्षी जी, आगे ले लें। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। अगर आप भी गुरुदेव संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर जी से अपने घर का नक्शा दिखाकर अपने घर की एनर्जी बैलेंस करवाना चाहते हैं